हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आई हूँ, विटिलिगो मेकअप, जो बहुत इजी होता है लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हर आर्टिस्ट, आप बहुत सारी विटिलिगो मेकअप देखते होंगे, वही सेम स्टेप्स हो रहे हैं, कंसीलिंग हो रही है, बेस हो रही है, तो आपको लगता है कि इसमें क्या ही तो डिफरेंस है कि जो ये स्किन एक स्पेशल बन जाती है और लोगों का मेकअप इसमें फ्लॉलेस लगता है। तो आज वो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, जो मैंने ब्राइडल आई मेकअप, अगर आपको ये आई मेकअप अच्छा लग रहा है तो आप हमारा पार्ट वन देख सकते हो, उसमें मैंने ब्राइडल आई मेकअप डाला है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्पेशल टेक्निक्स, ट्रिक्स, जो विटिलिगो, स्पेशली विटिलिगो मेकअप या कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो आप लोग ज़्यादातर वीडियोस में मिस कर लेते हो क्योंकि वो स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। अभी मैंने सीरम यूज़ किया है, जो मैंने हाइलरॉनिक सीरम यूज़ किया है नायका का। उसके बाद अब मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, हाइलरॉनिक क्रीम है वो भी नायका की। इससे क्या होता है ना, बेस अच्छा बन जाता है, हाइड्रेशन स्किन में अच्छी हो जाती है। बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट, टेक्निक नंबर वन, हम लोग प्रोडक्ट जो लगाने वाले हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं, कवरेज के लिए उसको करेक्टर लगाएंगे, कंसील करेंगे, उसके बाद बेस लगाएंगे, सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। तो इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो कॉमन सेंस हमारी यही कहती है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग इफ़ेक्ट होता है मेकअप प्रोडक्ट में, ठीक है, फाउंडेशन वगैरह सब चीज़ मैट होते हैं, पाउडर कंटेंट से बने होते हैं, तो इसीलिए हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली टेक्निक ये। टेक्निक नंबर टू कि हमने जो करेक्टर यूज़ किया है, मैंने उसमें ऑलरेडी एक कंसीलर, ब्राउन कंसीलर, ये मेरा ऑरेंज करेक्टर है जो क्रायलॉन का है, तो उसमें ऑलरेडी मैंने ब्राउन कंसीलर मिक्स कर दिया है विद सेटिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे से मिक्स करा है, और मैंने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है, ये भी टेक्निक है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो ये नहीं सेट होगा। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड करा है और फैन से सुखाया, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। हम लोग अपने और जो विटिलिगो मेकअप करते हैं ना, मैं उसमें क्या करती हूँ, जब करेक्शन कंसीलिंग करती हूँ ना, उतनी देर में आई मेकअप कर लेती हूँ, मतलब कि आपको इतना वेट करना है, तो अच्छी खासा आपको वेट करना है, नहीं अगर आपके पास टाइम तो उसको फ़ैन से ड्राई करिए। आपको इजीली विजिबल होगा जो मेरा करेक्शन है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसको कंसीलर, मैक का डार्क फाउंडेशन लिया है मैंने, बिकॉज इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, तो डार्कर शेड का कोई फाउंडेशन है आप उससे भी कंसीलिंग कर सकते हो, और अगेन ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मैं डैब डैब कर रही हूँ और उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। अगेन थर्ड स्टेप आप देख रहे होंगे, उसको मैं फ़ैन से सुखा रही हूँ, जो मैंने कंसीलिंग करी है उसको अगेन मैं ड्राई कर रही हूँ, और जिस साइड मेरा हो चुका था ड्राई वहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, और जहाँ ड्राई नहीं हुआ वहाँ मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो बहुत लाइट हैंड से मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको शेड नंबर या कोई भी प्रोडक्ट जानना है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी आपको। नाउ नेक्स्ट टेक्निक, अब जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है आप देख रहे होंगे, जो पहले ब्यूटी ब्लेंडर था और अब था, दोनों चेंज है, बिकॉज अब जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट है, मैंने अच्छी तरह उसको पानी से वेट करा है, टिश्यू से वाटर सारा उसका एब्जॉर्ब करने के बाद अब मैं बहुत लाइट हैंड से कर रही हूँ, और मुझे कोई भी रिस्क नहीं है बिकॉज मेरा जो कंसीलर है, करेक्शन है, वो सारा ड्राई हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप इसको सभी मेकअप में फॉलो करेंगे ना तो आपका मेकअप कहीं पर भी कुछ नहीं जाने वाला। और अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो करना चाहते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं बहुत सारी, बहुत एक्टिव रहती हूँ, बहुत वीडियोस डालती रहती हूँ, और यूट्यूब पे भी मैं डालती रहती हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल, डीप थ्योरीज़ की वीडियोज़ चाहिए, बेसिक आपको सीखना है, ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा डीप वीडियोस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी रेगुलरली वीडियोस देख सकते हैं। तो अब मैंने उसके बाद क्या किया, कॉन्टोर किया, ब्लश किया, हाईलाइट किया, ये तीनों चीज़ें मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो क्रीम बेस कर रही हूँ, और बहुत जल्दी इसमें हाथ चलाना है बिकॉज अगर आपका जो ब्लश है आपने जल्दी नहीं उसको ब्लेंड करा तो उसमें पैचिनेस आ सकती है। तो कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश मैंने करा है और बहुत ज़्यादा मैंने उसको अच्छी तरह
ब्लेंड कर रही हूँ लाइट हैंड से। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ मल्टीपर्पज़ ब्रश है व्योनी बेले का, इससे आपका हाईलाइट हो जाएगा, इससे आपका कॉन्टोर ब्लेंड हो जाएगा, इससे आपका ब्लश ब्लेंड हो जाएगा। आप इसको क्रीम प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हो और पाउडर प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम मल्टीपर्पज़ ब्रश है। अंडर आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक मैजिक टूल है, इसी को कहते हैं 3D इफेक्ट। मैंने जो जो क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उसको मैं पाउडर से सेट करूँगी, जैसे कि हाईलाइट को मैं सेट करूँगी पाउडर से। बेनिफिट का पाउडर मैंने यूज़ करा है, मैं कभी भी अंडर आइज़ के पाउडर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा चाहिए, नहीं तो आपके रिंकल्स आ जाएंगे या आपका मेकअप सेट नहीं रहेगा। पाउडर ब्लश ऑन यूज़ करूँगी, पाउडर कॉन्टर यूज़ करूँगी। आई होप आपको टेक्निक समझ आई होंगी और आप उसे अप्लाई करेंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसका आई मेकअप आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी और को इस वीडियो की नीड होगी तो आप उसको शेयर कर सकते हो। ब्लश लगाने के बाद आप हाइलाइटिंग करिए, हाइलाइटिंग करने के बाद आप सेटिंग स्प्रे से इसको सेट कर दीजिए, कहीं भी आपका मेकअप नहीं जाने वाला। और मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने आई मेकअप का वीडियो देखना है आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पार्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको थ्योरी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल में बहुत सारी मेकअप ब्रशेस की, ग्लिटर्स की, मेकअप टूल्स की, बहुत सारी कलर थ्योरी की थ्योरी वीडियोज़ हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।